अहमद को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था वो हर जगह तस्वीरें बना डालता था दीवारों पर तस्वीरें दरवाज़ों पर तस्वीरें फ़र्श पर तस्वीरें किताबों पर तस्वीरें अब्बा तंग आ गए थे अम्मा परेशान थीं आखिर एक दिन अब्बा ने एक तरकीब सोची वो बोले चलो अहमद आज तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलें जहां तुम जी भर के तस्वीरें बना सकोगे अब्बा अहमद को समंदर के किनारे ले गए अहमद ने रेत में खूब तस्वीरें बनाईं शाम को अब्बा बोले अब हम हर हफ्ते यहाँ आया करेंगे शर्त यह है कि घर में तुम सिर्फ कागज़ पर तस्वीरें बनाना